आईजर्स डोंट सी हाउ दिस कैन गेट एनी बेटर इसका मतलब ये है कि मुझे नहीं लगता इसमें मजीद बेहतरी आएगी या मेरे हिसाब में इसमें मजीद बेहतरी नहीं हो सकती आई लोनली बी गन टू डेज ओनली आई लोनली बी ग टू डेज ओनली इसका मतलब ये है मैं सिर्फ दो दिनों के लिए जा, जाऊंगा या जा रहा हूँ या सम टाइम होता है ना कि वो कहता है यार आप तो यहाँ से काम से जाने लगे हैं तो कहता है यार बस दो दिनों की तो बात है तो उस सूरत में हम ये कहते हैं आई एल ओनली बी ग डेज ओनली मैं सिर्फ दो दिनों के लिए जाऊंगा या मैं दो दिनों के लिए यहां पर नहीं हूँ यू शुड है मतलब किसकी तरफ से है या ये किसने भेजा है इट सो रियली फन टू लिव आउटर इट्स सो रियली फंड टू लिव आउट हेयर इसका मतलब ये इधर रहने में वाकई बहुत मजा है या जैसे आप कहीं पे चले गए हैं वहां पे अपनी रिहायश अख्तियार कर ली है या वहां पे आप कुछ दिनों के लिए गए हैं तो वहां पे आप ये सेंटेंस यूज करते हैं कि यहां पे रहने में वाकई बहुत मजा आ रहा है नथिंग इज कमिंग टू माई माइंड एज ऑफ नाउ नथिंग इज कमिंग टू माई माइंड एज ऑफ नाउ इसका मतलब ये इस वक्त मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा या इस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा द वेदर इज सनी लेट्स हैंग आउट वॉशिंग्स वेदर इज सनी लेट्स हैंग आउट वॉशिंग देखिए वॉशिंग होता है धुले हुए कपड़े कि वेदर बहुत अच्छा है बाहर धूप निकली हुई है तो आओ बाहर जाके कपड़े टांग लें डोंट बी रूट इसका मतलब यह है इतना गुस्सा मत करें ओनली फूल्स रशिंग ओनली फूल्स रशिंग का मतलब ये है कि बेवकूफ लोग जल्दी करते हैं या दूसरी सेंस में हम ये भी कह सकते हैं कि जल्दी करना शैतान का काम So thank you very much guys for watching the video. If you like the video please hit the like button and don't forget to subscribe the channel and please keep yourself stay on with these videos. Inshallah you are gonna have a tremendous change in your speaking power. In next video gonna come in here again with new topic. Till then take care of yourself.